हेलो गाइस, मेरा नाम है अरुण, आप देख रहे हैं ऑनलाइन चेस का। और आज मेरे पास है मीवी ब्रांड की तरफ से आने वाला एक पॉकेट फ्रेंडली प्राइस रेंज का ब्लूटूथ स्पीकर मीवी जीरो, जो कि प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी 3 वॉट के साउंड आउटपुट और IPX5 वाटर असिस्टेंट सर्टिफिकेशन के साथ में आता है। आगे इस वीडियो में करेंगे इसको अनबॉक्स, बात करेंगे इसके कुछ और फीचर्स की, स्पेसिफिकेशंस की, और वीडियो के लास्ट में मिलेगा मेरा ओपिनियन। जिस प्राइस में आपको मीवी जीरो पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर मिलता है, आपके लिए कोई वैल्यू फॉर मनी ब्लूटूथ स्पीकर रहेगा या फिर नहीं। तो गाइस, कुछ इस तरह के बॉक्स में आता है मीवी जीरो ब्लूटूथ स्पीकर। बॉक्स पूरी तरह सील पैक है, तो फटाफट से इसकी सील को कट करते हैं। तो यहाँ पर बॉक्स मिलता है ग्रीन और ग्रे के कॉम्बिनेशन में। बॉक्स के ऊपर स्पीकर का पिक्चर, मॉडल नेम, स्मॉल साइज, बिग साउंड, 3 वॉट पीक आउटपुट और लेफ्ट राइट में मीवी जीरो मतलब के मॉडल नेम दिया हुआ है। बॉक्स के पीछे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर साउंड, लॉन्ग बैटरी लाइफ, प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी, स्प्लैश रेसिस्टेंट, ट्रू वायरलेस स्टीरियो, पोर्टेबल साइज, इजी टू कैरी, साथ में 1 ईयर की वारंटी मिलती है इस प्रोडक्ट की। इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पर इंपोर्टेड मार्केटेड बाइक डिटेल्स, कस्टमर केयर डिटेल्स, साथ में दिया हुआ है कंट्री ऑफ ऑरिजिन जो है चाइना। MRP है 199। लेकिन मीवी जीरो ब्लूटूथ स्पीकर आपको मिल जाता है करीब 999 मतलब कि 1000 रुपए के रेगुलर प्राइस में। बेस्ट वाई लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अभी के लिए फटाफट से इसको निकालते हैं बाहर। तो यहाँ पर रखा हुआ मिल जाता है एक वारंटी कार्ड, जहाँ पर बताया गया है 1 ईयर की वारंटी मिलती है इस स्पीकर की, जिसके लिए आपको मीवी के ऑफिशियल साइट पर जाकर इस प्रोडक्ट को रजिस्टर करना होगा। नेक्स्ट मिल जाता है मेन स्पीकर, कुछ इस तरीके से रखा हुआ, रेड कलर वाला वेरिएंट है मेरे पास। इसके अलावा येलो, ब्लू और ब्लैक कलर ऑप्शन में भी अवेलेबल है। अभी के लिए रखते हैं साइड में। बाकी बॉक्स के अंदर से यहाँ पर कुछ और भी मिलता है, जैसे कि ये एक यूज़र मैनुअल है जहाँ पर कि बेसिक साइड डिटेल्स बताए गए हैं, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे इसके कंट्रोल बटन्स वगैरह को इस्तेमाल कर सकते हैं, सेफ्टी इन्फॉर्मेशन वगैरह। तो अगर आप चाहें तो ज़रूर से इसको एक बार पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमें मिल जाती है एक माइक्रो USB चार्जिंग केबल स्पीकर को चार्ज करने के लिए। और अब वापस आ जाते हैं मेन स्पीकर पर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये रेड कलर वाला वेरिएंट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, साथ में जो बिल्ड क्वालिटी वगैरह है ये भी काफ़ी ज़बरदस्त लगी। ऊपर की तरफ थोड़ा सा यहाँ पर क्लॉथ जैसा मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, लेकिन एक काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल है। बाकी स्पीकर के नीचे की तरफ स्मूथ रबराइज फिनिश वाले मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। स्पीकर की थिकनेस है 5.5 सेंटीमीटर। बाकी कुछ इस तरीके से फ्लैट सरफेस पर रखकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी कहीं भी लटकाना है तो इसके ज़रिए आप इसको कहीं भी लटका कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पीकर में बॉटम में जाएंगे तो यहाँ पर मीवी की ब्रांडिंग, मॉडल नेम, मॉडल नंबर, बैटरी कैपेसिटी जो है 800 mAh, साथ में चार्जिंग इनपुट दिया हुआ है जो है 5 वोल्ट 500 mA। और ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है ये स्पीकर का ही एक पार्ट है, जिसके थ्रू मुझे लगता है थोड़ा सा बेटर बेस मिलेगा बिकॉज ऑफ बॉटम फायरिंग है। लेकिन थोड़ा सा बच्चों से बचा कर रखना पड़ेगा, बाकी जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रोटेक्टेड रहता है बिकॉज जो एजेस वगैरह हैं वो थोड़ी सी ऊंची हैं। और इसके थ्रू किसी भी फ्लैट सर्फेस पर स्पीकर को रखेंगे तो थोड़ी सी बेटर ग्रिप भी मिल जाती है। स्पीकर के साइड में यहाँ पर एक कैप दिया हुआ है जिसके अंदर दिख जाता है एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट। तो ब्लूटूथ के अलावा माइक्रो SD कार्ड इंसर्ट करके भी आप म्यूजिक सुन सकते हैं। साथ में एक माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट है स्पीकर को चार्ज करने के लिए, साथ में एक चार्जिंग नोटिफिकेशन LED। साथ में कैप को बंद करते ही स्पीकर पूरी तरह से सील पैक हो जाता है बिकॉज यहाँ पर मिलता है IPX5 वाटर असिस्टेंट सर्टिफिकेशन। तो थोड़े बहुत पानी वानी से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, आप स्विमिंग वुमिंग बारिश वारिश में डांस करते हुए स्पीकर को जरूर से इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल्स की बात करें तो साइड में यहाँ पर स्पीकर के कंट्रोल्स भी दिए हुए हैं। बटन्स का डिज़ाइन इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है, बिना देखे इस्तेमाल करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन काम काफ़ी अच्छे से करते हैं, फीडबैक वगैरह काफ़ी बढ़िया। पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो स्पीकर डायरेक्टली ऑन हो जाता है। नोटिफिकेशन LED ब्लिंक करना स्टार्ट कर देती है मतलब कि डिस्कवरेबल मोड में ऑन हो जाता है। ब्लूटूथ के जरिए किसी भी एंड्रॉइड, iOS स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट होते ही बैटरी के लेवल भी दिख जाएंगे फोन के अंदर अगर फोन का OS सपोर्ट करता है। प्ले बटन को 2 बार प्रेस करके आप रीडायल कर सकते हैं लास्ट डायल नंबर को, साथ में कॉल पर भी बात कर सकते हैं। माइक भी कहीं भी छुपा हुआ है, कॉलिंग वगैरह की क्वालिटी अच्छी है। बाकी यहां पर प्ले पॉज कर सकते हैं किसी भी ट्रैक को इसी बटन के जरिए। बाकी इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम के कंट्रोल्स भी दिए गए हैं। वॉल्यूम प्लस और माइनस को बार बार प्रेस करके वॉल्यूम कम और ज्यादा कर सकते हैं। बाकी प्रेस एंड होल्ड करेंगे वॉल्यूम माइनस को तो ट्रैक प्रीवियस भी हो जाता है, प्रेस एंड होल्ड करेंगे वॉल्यूम प्लस को तो ट्रैक को नेक्स्ट भी कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करें इसकी चार्जिंग और बैटरी बैकअप के बारे में, तो यहाँ पर 800 mAh की बैटरी मिलती है इस स्पीकर के अंदर, जिसको कि किसी भी 5 वोल्ट 1 एम्पीयर के चार्जर से आप चार्ज कर सकते हैं। 0 to 100% चार्ज होने में करीब 45 minutes to 1 hour तक लग जाता है, और एक बार फुल चार्ज करके आप इसको लगातार 4 से 5 घंटे के आसपास इस्तेमाल कर पाएंगे अगर आप 70-80% के वॉल्यूम पर इसको इस्तेमाल करेंगे। और अगर फुल वॉल्यूम पर इस्तेमाल करेंगे तब भी आपको करीब 3 घंटे के आसपास का बैटरी बैकअप मिल जाता है इस स्पीकर से, जो कि मैं बोलूंगा काफी डिसेंट है।
बाकी ब्लूटूथ रेंज की बात करें तो ब्लूटूथ का वर्जन है 5.0, तो कनेक्टिविटी कोई भी दिक्कत है नहीं। 8 से 10 मीटर तक तो बड़े आराम से आपके फोन के साथ में कनेक्ट रहता है अगर बीच में कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। नेक्स्ट बात करें उस फीचर के बारे में जिसके लिए हम इन स्पीकर्स को खरीदते हैं, मतलब कि साउंड आउटपुट के बारे में, तो उसके बारे में बात करने से पहले मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर लीजिएगा इस स्पीकर के थ्रू मिलने वाले साउंड आउटपुट को। बाकी बात करते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस अब मैं बात करूं इस स्पीकर के साउंड आउटपुट के बारे में अपने ओपिनियन की, तो पिछले कई दिनों से मैंने इस स्पीकर को इस्तेमाल किया है, काफी सारे सॉन्ग्स वगैरह सुने, साथ में मूवी वगैरह भी देखी, ट्रेलर वगैरह भी देखे मूवीज के, तो वोकल्स वगैरह साथ में जो अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स के साउंड वगैरह है काफी अच्छे सुनने को मिल जाते हैं इस स्पीकर से, अप टू 80-90% वॉल्यूम। म्यूजिक के दौरान ट्रेवल भी काफी अच्छे सुनने को मिल जाता है इस स्पीकर से। बाकी बेस की क्वालिटी मैं बोलूंगा काफी बढ़िया है, पंची बेस सुनने को मिलता है, लेकिन एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, 100% वॉल्यूम पर जब आप स्पीकर को प्ले करते हैं तो स्पीकर का जो साउंड आउटपुट है 3 वॉट है लेकिन काफी ज्यादा लाउड है, जिसकी वजह से जब आप 100% वॉल्यूम पर स्पीकर को इस्तेमाल करते हैं तो जो बेस और ट्रेबल है वो काफी ज्यादा डिस्टॉर्ट सा सुनने को मिलता है। सो 80-90% तक को मैं लूंगा काफी वेल बैलेंस साउंड आउटपुट है, बल्कि 70-80% तक ही इस्तेमाल करेंगे तो काफी बढ़िया साउंड आउटपुट मैं बोलूंगा इस स्पीकर के थ्रू। साथ में कॉलिंग के लिए अगर इस्तेमाल करना है तो माइक भी इसके अंदर कहीं भी दिया हुआ है और वो भी मैं बोलूंगा ठीक ठाक तरीके से ही काम करता है। फाइनली अब मैं बात करूं ये वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, तो इसका जो रेगुलर प्राइस है वो है 999, मतलब कि 1000 रुपए। 1000 रुपए के प्राइस को देखें तो जो ओवरऑल पैकेज मिल रहा है, जो बिल्ड क्वालिटी मिल रही है, जो डिजाइन मिल रहा है, IPX5 वाटर असिस्टेंट सर्टिफिकेशन भी मिल रहा है इस स्पीकर में, इस सब को देखते हुए तो लगता है काफी वैल्यू फॉर मनी स्पीकर है। लेकिन जब इसका साउंड आउटपुट आप सुनते हैं तो 100% वॉल्यूम पर मुझे उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं लगा मुझे इस स्पीकर से, थोड़ी सी लाउडनेस कम हो जाती, लेकिन बैलेंस साउंड आउटपुट होता तो मैं बोलता जरूर से आप इसको 1000 रुपए में खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये 800 रुपए के आसपास मिले जैसे कि मुझे मिला तो मैं बोलूंगा जरूर से आप इस स्पीकर को खरीद सकते हैं, मेरी तरफ से एक पिक है। बाय करने के लिए बेस्ट वेलिंग नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं, जहां से डायरेक्टली जाकर आप चेक कर सकते हैं अभी के लिए क्या प्राइस है और डायरेक्टली बाय भी कर सकते हैं। बाकी अगर ये वाला वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक किए बगैर मत जाएगा, शेयर भी कर सकते हैं आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, बिकॉज ऐसे ही काफी सारे वीडियोस काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली अपने इसी चैनल पर लेकर आता रहता हूं, तो नेक्स्ट टाइम कोई भी लेटेस्ट वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आपका कोई और सवाल या सुझाव इस चैनल के बारे में, इस वीडियो के बारे में, तो नीचे कमेंट में जाकर जरूर बताएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।